कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल में हरिद्वार अस्पताल योग समिति द्वारा आयोजित भारत योग पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि योग शरीर और मस्तिष्क को एक साथ संतुलित करके प्रकृति से जुड़ने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि हमें दैनिक जीवन में योग की अपनाने की जरूरत है ताकि हम स्वस्थ जीवन जीकर समाज और राष्ट्र को अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि आज की तनाव व्यवस्था और अस्वस्थ दिनचर्या में योग करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम ऊर्जावान होते हैं। उन्होंने कहा कि आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समिति द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और आशा जताई कि समिति भविष्य में भी और अधिक गतिविधियां संचालित करेगी और अन्य के लिए प्रेरणा का काम करेगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने योग व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार भी दिए। उन्होंने समिति की ओर से दिव्यांग बच्चों को कंबल वितरित किए। इससे पूर्व समिति के प्रमुख योग गुरु रणजीत सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया और समिति की गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें विशेष तौर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति ने सबको आकर्षित किया। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ज्वालामुखी थाने का निरीक्षण करने पहुंचे SDPO और ज्वाली ओमकार ठाकुर ने थाने का रखरखाव देखने के बाद एक बैठक टैक्सी चालकों के साथ भी की। बैठक में टैक्सी यूनियन के प्रधान मुंशी सहित अन्य यूनियन के सदस्य व टैक्सी के चालक शामिल रहे। इस दौरान ओमकार ठाकुर ने टैक्सी चालकों को रोड सेफ्टी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। उन्होंने बताया कि टैक्सी चालकों को रोड सेफ्टी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही जब किसी व्यक्ति द्वारा टैक्सियों की बुकिंग की जाती है तो उसमें उनसे कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चेक करने चाहिए, इस बारे में भी बताया गया। SDPO ज्वाली ओमकार ठाकुर ने बीते दिनों जिला कांगड़ा के एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या का हवाला देते हुए टैक्सी चालकों को बताया कि कोई भी अनजान व्यक्ति जब आपकी टैक्सी बुक करता है तो इस दौरान आप उसकी पूरी पहचान देखें कि वह कहां से है और कहां रहता है। यही नहीं, साथ में ये सब देखने के बाद उक्त टैक्सी चालक इसकी एक फोटो अपने खास दोस्त को भेज दे ताकि जब कोई अप्रिय घटना हो तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। यही नहीं, ओमकार ठाकुर ने टैक्सी चालकों को बताया कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी टैक्सी करता है तो उसके बाद अपने किसी परिचित को ये बताते हैं कि इस दौरान आप सवारी को लेकर कहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों को रोड सेफ्टी का पूरा ज्ञान होना चाहिए और पुलिस भी समय समय पर इन सभी विषयों को लेकर जागरूकता अभियान छेड़ रखती है। इस दौरान थाने के अन्य कर्मचारी भी यहाँ मौजूद रहे। मंडी जिले के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर BBMB के पंडू डैम के समीप कैंची मोड़ से एक गाड़ी सड़क से ब्यास नदी की ओर नीचे गिर गई। इस घटना में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को पुलिस व प्रशासन की टीम ने गंभीर हालत में मंडी अस्पताल पहुंचा दिया। ये घटना देर रात करीब 12:30 घटित हुई। घटना की सूचना किसी व्यक्ति ने 108 के माध्यम से पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी पंडोह व पुलिस थाना मंडी सदर की टीम घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर 3 घायलों को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी चंबा से मनाली की ओर जा रही थी और इसमें सवार सभी घायल व मृतक चंबा जिला के खजियार के रहने वाले थे। घायलों में अरुण कुमार पुत्र विक्की कुमार, मनु पुत्र विनोद कुमार, संजय कुमार पुत्र रमेश कुमार शामिल हैं। सभी घायल खजियार चंबा के रहने वाले हैं। वहीं मृतकों की शिनाख्त रोहित कुमार पुत्र सोमराज, अजय कुमार पुत्र तिलकराज तथा सोनी पाल पुत्र राजेंद्र कुमार के रूप में की गई है। तीनों मृतक भी खजियार चंबा के ही रहने वाले थे। घटना की पुष्टि SP मंडी गुरुदेव शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।